मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी पत्नी अफशा अंसारी की तलाश तेज हो गई है। लंबे वक्त से अफशा फरार चल रही है। ऐसी संभावना है कि वो अपने पति के जनाजे में शामिल होने आई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब खबर आ रही है कि अफशा अंसारी जल्द ही सरेंडर भी कर सकती है। सरेंडर करेगी माफिया मुख्तार की पत्नी, घर वाले कराएंगे आत्मसमर्पण। लंबे वक्त से फरार चल रही अफशा, मुख्तार की मौत के बाद लिया फैसला। 28 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अफशा अंसारी अपने पति के जनाजे में शामिल होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मुख्तार के घर वाले ही चाहते हैं कि अफशा अंसारी सरेंडर कर दे। पुलिस को कई मामलों में अफशा अंसारी की तलाश है। पुलिस ने अफशा पर 75,000 का इनाम रखा है। गाजीपुर पुलिस ने अफशा पर 50,000 का इनाम रखा है, तो वहीं मऊ पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम घोषित है। अफशा अंसारी पति मुख्तार के जनाजे में शामिल तो नहीं हो पाई, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार की इद्दत यानी अंतिम संस्कारों से जुड़ी सारी रस्में खत्म होने के बाद वो सरेंडर कर सकती है। मैंने चैनल पे कह दिया है, आपके भी चैनल पे कह रहा हूँ कि मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, कि न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए, और नहीं तो समर्पण करिए। अफशा पर 12 से ज्यादा केस दर्ज है। गाजीपुर मऊ से लेकर लखनऊ तक कई सारे केस दर्ज हैं। फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा करने, सरकारी जमीन पर कब्जा कर आर्थिक लाभ लेने का केस अफशा पर दर्ज है। जबरन रजिस्ट्री का केस भी दर्ज है। 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद अफशा ने गैंग की कमान संभाली। शादी से पहले अफशा पर कोई केस नहीं था। परिवार के मुताबिक अफशा इद्दत के बाद सरेंडर कर सकती है। इद्दत का ये वक्त 4 महीने तक का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।